ऋषिकेश में अगर व्यापार की बात करें और व्यापार के इस दौर के चेहरे की बात करें, तो चेहरा कुछ ऐसा है जिससे अभी अभी बागडोर संवारी है ऋषिकेश नगर व्यापार प्रतिनिधि मंडल की। एक ऐसी शख्सियत जो सामाजिक जीवन में काफ़ी लंबे समय से अपना योगदान दे रही थी, इस बार ऋषिकेश के व्यापारिक जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग जो व्यापार संबंधी गतिविधियों से जुड़े हैं, उन्होंने उन पर अपना एक भरोसा जताया है। आज उस भरोसे की नींव पर बैठे, उस भरोसे की एक गद्दी पर बैठे विराजमान जो हमारे आज के मेहमान हैं, आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं राउंड अप विद संजय सिलसवाल में। तो चलिए मिलते हैं भाई ललित मोहन मिश्रा जी से। नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया संजय। स्वागत है सबसे पहले आपका राउंड अप विद संजय में। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, अभी लोगों ने एक बड़ा भरोसा आपके ऊपर जताया है, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में आपको अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या सीक्रेट रहा जीतने का? देखिए, सामाजिक व्यक्ति का कोई सीक्रेट नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आज आपने कार्यक्रम शुरुआत करी और मुझे उसमें आमंत्रित किया। और जैसा कि आपने कहा क्या सीक्रेट रहा, मुझे लगता है कि सामाजिक व्यक्ति के लिए कोई सीक्रेट नहीं। मैं लगभग 25-26 वर्षों से सामाजिक जीवन में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे नगर के लोगों ने मुझे इतना विश्वास जताया और लगभग एक तरफा विजयी बनाया, यह उसी का परिणाम है कि मैं लोगों से भी लगातार जुड़ा रहा, व्यापार के साथ साथ सामाजिक जीवन में भी मैं लगातार उनके बीच सक्रिय हूँ। और एक बड़ी अच्छी ईश्वर की देन है, मैं अपना नहीं कहूँगा, कि मैं सदा लोगों के लिए, चाहे रात एक हो, दो हो, तीन हो, मैं फ़ोन बंद नहीं करता। लोग मुझसे अपेक्षा रखते हैं, मैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। शायद यही सीक्रेट क्या कहूँगा, मतलब ओपन बात कहूँगा कि यही मैं वजह रही जिसकी वजह से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या लग रहा है आपको, गद्दी मुलायम है या इस समय कांटों वाली है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है, बहुत बुरी मार पड़ी है बाजार को, और ऐसे में एक व्यापारिक प्रतिनिधि होने के नाते आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। किस तरह से आप शासन प्रशासन से अपने व्यापारी भाइयों के लिए आप योजनाएं बनवाते हो, उनका किस तरह से उनका उनकी मदद लेकर के आप एक अनुकूल माहौल तैयार करते हो व्यापार का शहर में, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या लग रहा है पोस्ट कोविड सिचुएशन, क्या लग रही है और कितना मजबूत पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, मुझे तो जनता का सहयोग बहुत मिलता है, तो मैं अपने आप से अंदर मजबूत महसूस करता हूँ। परंतु व्यापारी बहुत टूटा है इस कोविड में, क्योंकि पिछले साल भी मेन सीजन आप जानते हैं ऋषिकेश यात्रा का स्थल है, प्रमुख मेन गेट है ऋषिकेश, और जब यात्रा चलती है तो ऋषिकेश व्यापार फलता फूलता है, तो नुकसान बहुत हुआ है। हमारी शासन से मांग की थी कि जो कोविड से डेथ हुई हैं उनको कुछ रियायत दी जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए, जो दुकानदार हैं उनको कुछ दिया जाए। तो फिलहाल ऐसा होटल में तो सरकार ने घोषणा की कि प्रति व्यक्ति, प्रति स्टाफ 5,000 रुपये, होटल मालिकों के लिए तो अभी कुछ नहीं है। पर फिलहाल बाज़ार खुलवाने में हम लोगों ने जो संघर्ष किया, नगर के सभी व्यापारियों ने साथ दिया, और आज उसी का परिणाम है कि बाज़ार खुला भी है, क्योंकि शासन ने लगातार यह आश्वासन दिया कि जून के महीने में शायद ना खुले, पर सभी व्यापारियों ने मांग की सरकार से, कुछ आंदोलन भी करने पड़े, तो प्रयास है कि अब व्यापार चले। और मेरा सभी व्यापारी से आग्रह भी है कि अब चूंकि बाज़ार खुल गया है तो जमकर खरीदारी करें, और एक विशेष बात नगर के लोगों से ही करें, ऑनलाइन से बचें, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार बाहर जाता है पैसा नगर से, और क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि पैसा विदेश में भी जाता है। पर मेरा सभी व्यापारी से आग्रह भी है इसी के साथ आपके माध्यम से कि नगर के व्यापारियों से ही परचेज करें और ऑफलाइन परचेजिंग करें। आपने बड़ी अच्छी बात करी है, जो लोकल वोकल फॉर लोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसकी आप बात कर रहे हैं कि हम लोग लोकल में ही खरीदारी करें जो भी हमें खरीदारी करनी है। ललित भैया, ये तो इससे रिलेटेड बात होगी आपका जो काम है, थोड़ा सा बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है हमारे कि बहुत सारे लोग आपसे परिचित हैं, बहुत सारे लोग आपसे सामाजिक तौर पर तो परिचित हैं लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कम जानते हैं। थोड़ा सा व्यक्तिगत होना मैं बात करना चाहूँगा,
कैसे शुरुआत है, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपका पढ़ाई लिखाई हुई, क्या आपने मतलब कैसा रहा स्टार्टिंग से कोई स्टोरी आपके बारे में? देखिए मेरी परिचय शिक्षा ऋषिकेश से हुई, जनरल स्टूडेंट थे हम लोग क्रिकेट में, स्कूल समझिए मॉडर्न स्कूल से शुरुआत हुई हमारी, मॉडर्न स्कूल जुयाल जी वाला जुयाल साहब और उस समय चूंकि मॉडर्न स्कूल ही था, ओमकारानंद तो नया नया खुला था हमारे जमाने में, तो जुयाल मैडम बड़ी अच्छी रही, देखो बड़ा प्रिंसिपल थी स्कूल की, बहुत अच्छी मैडम, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी उन्होंने, फिर हम भरत मंदिर भी गए, फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन क्या कॉमर्स से करा, और ग्रेजुएशन करने के काफ़ी साल बाद तो संजोग से मैंने लॉ भी करा है, हाँ मैं वकील भी हूँ, रजिस्टर्ड वकील हूँ, बट प्रैक्टिस क्योंकि सामाजिक रूप में आ गया तो नहीं, मतलब आपने बिल्कुल काले कपड़े छोड़ के सफेद धारण कर लिए, ऐसा क्या मतलब चेंज, ऐसा क्या चेंज है? काला कपड़े मैंने पहनने शौक विशेष नहीं रहा क्योंकि वकालत में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सच झूठ भी बोलना पड़ता है क्योंकि पेशा है, गलत नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं वास्तव जल्दी से एक अपने बारे में और बताऊं, मैं जल्दी झूठ नहीं बोलता, जल्दी मतलब व्यापार है तो आटे में नमक कभी कभी मिलाना पड़ता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं 99% झूठ कभी नहीं बोलता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सच तो याद रहता है, झूठ याद नहीं रहता और आदमी को अपनी बात वजन गिरता है, तो मेरा मानना है कि मैं वास्तव में सामाजिक जीवन में रहता हूँ और झूठ से बचता हूँ, नहीं ही बोलता, और जैसे आपने कहा कि सामाजिक परिवेश में कैसा आना हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे, अच्छा बड़े पदों पर रहे पार्टी विशेष के, तो बचपन से ही देखता था लोग रात को देर रात बेरात आते थे हमारे घरों में, हम 5 भाई बहन हैं तो रात बेरात लोग आते थे और पिताजी हमारे कभी थाने जाना हो कुछ हो कभी कभी ना नहीं करी, तो मैं भी उसी को देख के बड़ा हुआ, मुझे लगता है कि हमारे पिता ने कभी मना नहीं करा, तो मैं उसको देख के बड़ा और बस वो नेचर में आ गया, खून में आ गया, और ईश्वर की कृपा रही कि बस वह पिताजी की सरपरस्ती में वो आगे बढ़ते गए, सामाजिक रूप में आगे बढ़ते रहे और वही सेवा का भाव ईश्वर की कृपा से आज भी जारी है। जैसे आपने कहा कि आपने एजुकेशन ली, उसके बाद आप व्यापार में आए, व्यापार क्या आप ये आपका हेरिटेज है या मतलब आपने? नहीं हेरिटेज ही है जी, हमारे 1981 से हमारे पिताजी यही व्यापार कर रहे हैं, अच्छा तो हम तो जब आँख समझे खुली ढंग से तब से आप तो तब से देख रहे हैं, और जो ईश्वर की कृपा है हमारे पिताजी ने हमें मजबूत आधार दिया और हम उसी आधार पर आज बिल्डिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। हाँ जी स्ट्रगल रहा या मतलब एक मतलब ठीक ठाक स्मूथ रोड मिली जिंदगी में? नहीं स्ट्रगल रहा, पर मैं एक बात सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि शायद शुरुआती दिनों में जिस दौर होता है मैंने स्ट्रगल कम किया, मेरे भाई ने स्ट्रगल ज़्यादा किया, मतलब तो मुझे, आपको आपको मुझे स्ट्रगल कम मिला व्यापार में, मेरे भाई ने स्ट्रगल किया और मतलब भाई ने प्लेटफॉर्म बनाया उस पर फिर पिताजी के साथ, तो मुझे रास्ता मिला, मैं फिर गाड़ी गाड़ी सरपट हमने दौड़ाई, पर प्लेटफॉर्म भैया ने बनाया उसके लिए, ट्रैक भैया ने बिछाया, ट्रैक उन्होंने बिछाया। ओके और जैसे सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, आगे आते हैं, बहुत सारे एनजीओज आते हैं, आप भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि एक घटना हुई पूरी दुनिया में हुई, ऑल्दो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों ने काम नहीं किया, बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक संस्थाएं आगे आई, लेकिन कभी कभार एक कमी खलती है कि जो एक सिस्टम होना चाहिए जो ये लोग मिल करके कलेक्टिवली काम कर सकते थे, जो जितना पोटेंशियल के साथ काम कर सकते थे, अलग अलग होना, अलग अलग फ्रंट्स पे काम करना, आपको लगता है कि क्या ये खामियां पैदा कर रही हैं, वो एफर्ट उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि असली चीज़ जरूरतमंद तक पहुंचे जी, पर कहीं ना कहीं स्वार्थ भी थोड़े आड़े आते हैं जी, और एक हमारे देश में एक भ्रम बन गया है सरकार के प्रति कि अगर हम सरकार पे पैसा देंगे या सामान देंगे तो सही हाथों में नहीं पहुंचेगा जी। मैं एक बात डालना चाहूँगा कि बीच में एक कोतवाल रहे पिछले जो हमारे रितेश शाह जी, अच्छा रुझान था उनका जी, परंतु फिर भी आम जनता के मन में धारणा है कि शासन को अगर हम पैसे दें राशन दें वो सही हाथों में नहीं पहुंचेगा। जैसे आपने कुछ दिनों अखबार में पढ़ा भी होगा आपने
कि राशन सड़ गया। हाँ, ये तहसील का एक जिक्र हुआ था तो कहीं पे। बस यही भ्रांति है कि अब हमने भी, अभी मैं लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन का संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ, ओके, 13 वर्ष हो गए लगभग, और हमारा क्लब लगातार शहर हित में काम करता है। इस वर्ष भी, इस कोविड पीरियड में भी, लगभग 1000 राशन की किटें हमने बांटी हैं। और हमें लगता था कि हम आधार कार्ड भी ले लेते थे, उधार कार्ड लेना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ये था कि गलत हाथों में ना जाए, एक ऑथेंटिसिटी बनी रहेगी, मतलब कि ये जेन्युइन आदमी है, लोकल आदमी है। अब हम लोग इस राशन बांटते थे, और वही हमें लगता था कि हम किसी संस्था को देंगे, सरकारी एजेंसी को देंगे, जैसे आपने कहा सड़ गया, तो मन में ये भ्रांति थी। और ऐसा ही लोग भी सोचते हैं कि हम सरकार को, हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार पे जाए, अच्छे से जाए, फंड भी लोग देने को तैयार रहते हैं। पर वो जो आपने कलेक्टिवली वाली बात कही, वो बस वो सरकार पे विश्वास ना होना इस बात को करता है कि अलग अलग लोग करते हैं। एक हम जैसे मैंने लायंस की एक बात कही, लायंस एक बात कहता है हमारा कि क्योंकि अंग्रेजी संस्था है, मछली की बात करूँगा हमारे देश में तो हम लोग सनातन संस्कृति वाले हैं, वो कहते हैं कि आप किसी को मछली खाने को मत दो, आप किसी को मछली मारना सिखा दो, उसे ताकि वो रोज मछली मारेगा, उसी को बेचेगा भी, वो खाएगा भी। फिशिंग करना सिखा दो, फिशिंग करना सिखा दो, हाँ, आप उसे दोगे वो भिखारी बन जाएगा। उनका कहना यह है कि आप उसे फिशिंग करना सिखा दो ताकि वो अपना व्यापार भी चला ले और अपना पेट भी भूल ले। तो हमारे देश में आप पैसा दे देते हैं पर यह प्रयास नहीं करते कि उसे रोजगार भी दें। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, कहीं ना कहीं आबादी भी कारक है, पर मूल वजह यह है कि ना लेने वालों के मन में यह भाव है कि मैं काम कर लूं। क्योंकि हमने नोटिस करा, मेरे घर के बराबर में दुकानदार हैं, एक दिन मैं राशन बनवा रहा था उनसे देने के लिए, तो एक किसी ने कह दे कि राशन बट रहा है, तो वो आ गई। मैंने कहा जी, उस दुकानदार ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, कह रहा माता जी, बहुत बुजुर्ग नहीं थी, 40-45 साल की महिला थी, माता जी आप काम करोगे, मैं 400 रुपये रोज़ दूंगा आपको, कि सिर्फ चाय पत्ती भरनी है रोज़ आपको, हल्का काम, भारी काम नहीं था, आपको चाय पत्ती भरनी है, मैं 400 रुपये रोज़ सौंप दूंगा आपको। वो महिला भाग गई कि नहीं काम ही करूँगी। तो एक टेंडेंसी भी है हमारे देश में ये भिक्षुक वाली, जबकि अभी तो सरकार ने इस पर कानून भी लगाया है भिक्षावृत्ति को, मतलब एक तरह से। वो फिर सरकार भी ऐसा ना टेम्पररी, अभी गंगा जी पे आप जाएँ भिखारी बैठे हैं, तो वो तो सरकारी नियम तो आप समझते ही हैं। अच्छा भैया, जब आप एक सामाजिक जीवन में होते हो, तो मैंने अभी बहुत सारे सामाजिक लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक कॉमन चीज़ मैंने पाई है कि सामाजिक जीवन के साथ साथ मैंने जो उनमें देखा है कि फैमिली लाइफ बहुत सफ़र में आ जाती है, और बहुत कम लोग ऐसे मैंने, मेरे को मतलब उसमें आया कि जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बैलेंस में रखा है इस चीज़ को। थोड़ा बताइए फैमिली के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में पहले, और फिर फैमिली। तो देखिए, मेरे ब्रदर की लास्ट ईयर कोविड से डेथ हुई, हम दोनों अनफॉर्चुनेट जॉइंट फैमिली है हमारी जी। मेरे भतीजे हम साथ ही हैं, मेरे फैमिली दो भतीजे हैं, भाभी हैं, और मेरी वाइफ है, और एक बेटी एक बेटा है मेरे। ये जो आपने बात कही सामाजिक व्यक्ति जीवन वाली, ये मजबूरी है। देखिए, अगर मैं अपने परिवार को ज़्यादा समय दूंगा, और किसी व्यक्ति का कार्य आ गया और मैं उसके साथ नहीं गया, तो यह कहेगा कि ये तो अपना स्वार्थी है, हमारे काम से नहीं गया। तो सामाजिक व्यक्ति की मजबूरी भी रहती है कि उसे अपने परिवार को कम समय देकर समाज को ज़्यादा समय देना पड़ता है, और वो रम जाता है उसमें, और मजबूरी है कि सब परिवार का समय लिमिटेड हो ही रहता है। मैं किसी से बात कर रहा था, उसने बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात को रखा, कहता है कि पहले मैं सिर्फ पिताजी का बेटा था, मैं पूरे शहर का बेटा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये है कि मेरे को हर घर में रहा, हर घर में रहा, और मानना उसे निभाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो कोई स्कूल की, स्कूल एक सबसे बेस्ट टाइम होता है, आई थिंक आप भी इस बात को एग्री करोगे कि मतलब अपने लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसको शायद ही हम लोग भुलाए कभी भूल पाते हैं। कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक मोमेंट है जिसको अभी भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आप, और ये बोलते हैं, करते हैं भैया याद है, और मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, पर एक मेरा बहुत नज़दीकी मित्र है, शायद आने भी वाला हो थोड़ी देर में, रोफी ओके होता है बच्चों में लड़ाई झगड़े। या आपने जो बात कही ना कि शायद आने वाला कोई टिपरी है क्या इधर की, मतलब शाम की चाय अपन टिपरी। देखो, एक बात कहूँगा संजय जी, आपके यदि पुराने मित्र हैं, मेरा अनुभव है, तो आप वास्तव में सज्जन आदमी हैं, मैं अपनी बात नहीं करूँगा जी, परंतु जिसके पुराने मित्र हैं, जिसके स्कूली दोस्त आज भी हैं, तो समझो वो आदमी सफल आदमी है, कि उसके पुराने मित्र को गठरी बांध रखी है, सजो रखी है, तो वही आदि व्यक्ति है। एक बड़ा धन है वो, बहुत बड़ी धन की गठरी है। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो मित्र है, तो
हुआ क्या कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक और वो मित्र मेरे साथ 5-6 लड़के लेके आ गया, झगड़ा हो जाता था पिटाई कराने तो मेरे गली में मेरे मोहल्ले में नहीं वो स्कूल में ले गया। अच्छा। तो अब ले आया तो क्योंकि वो भी बड़ा पिट में तेज था, मैं उतना नहीं था, पर थोड़ा सा मैं शुरू से लंबा चौड़ा रहा हूँ, तो मैंने उसको लाया तो वो लड़के पर वो भी कोई प्रोफेशनल बदमाश थे नहीं, संयोग से मैं हावी हो गया, मैं अकेला ही था। अब उस बेचारे का नाक मुंह भी टूट गया और हड्डी वड्डी भी टूट गई उसकी बेचारे की नाक वाक की। पर मतलब मेरे को वास्तव में वो घटना ने परिवर्तित किया कि मैंने मारपीट नहीं करनी, क्योंकि मैंने मारा उसकी नाक की हड्डी टूट गई, बैंडेज बंद रही, 15-20 दिन पूरा उसका मुँह सूजा रहा, आँख काली पड़ गई। तो मैं जो आपने बात है ना ऐसी वो दूसरे रूप में है, मैंने उसके बाद से यह सोचा कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा। और लगभग 30 वर्ष हो गए इस बात को और ईश्वरी की वजह से मैंने झगड़ा नहीं किया उस दिन के बाद, क्योंकि वो घटना और मुझे इतना अच्छा ये लगा कि उसके पिताजी टीचर थे और उन्होंने मेरे पिताजी से, जबकि उस जमाने में टीचर घर आते थे और डंडियों से पीटते भी थे, व्यक्तिगत एक संबंध होता था, पर उन्होंने मेरे पिताजी से शिकायत नहीं करी क्योंकि वो दो उन्हें ही पता था कि मेरा बेटा बहुत शैतान है। पर मेरी घटना वहाँ से परिवर्तित थी और जो बचपन में झगड़े भी होते थे वो लड़ाई झगड़े भी मेरे से ऑटोमेटिक छूट गए। तो वो मुझे कहता है कह रहा तो बड़ा तेज था, मैंने कहा भाई वो जो आपने बात कही ना कि घटना, तो मैंने कहा भाई था, अब वो नेचर में नहीं रहा। जब सामाजिक जीवन और मतलब ये जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यापार है या जो भी मतलब अपना पॉलिटिक्स है या सामाजिक जो भी काम है, इससे कभी वक्त मिलता है? और मिश्रा जी अकेले होते हैं, अकेले मतलब एकाकी होते हैं, अकेले का मतलब ये नहीं है, मतलब एकाकी होते हैं। जब आदमी अपने में होता है तो कुछ आदमी के एक तरह के शौक होते हैं कि यार ये काम करना ना मुझे बड़ा पसंद है। मतलब जैसे अगर मैं एकाकी होता हूँ तो मुझे कभी कभार लगता है कि गैस में कुछ चढ़ा के कुछ ट्राई करूँ क्या, मतलब है ना, तो ऐसा कुछ शौक जो मुझे तो जी गजल गाय सुनने का बड़ा शौक है, गजल सुनने का। हाँ, और अकेले में गुनगुनाते भी हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं क्योंकि आवाज़ बड़ी अच्छी नहीं है बाथरूम सिंगर है। हाँ, तो मुझे गजल का बड़ा शौक है, फेवरेट जगजीत सिंह। हाँ, और ये समझो बचपन से ही, ना जाने मुझे नहीं पता ये शौक कैसे लग गया, पर जगजीत सिंह को सुनता आ रहा हूँ और आज 10 साल हो गए जगजीत जी को, 2011 में डेथ हुई थी और अभी भी उनकी पुरानी गजलें समय मिलता है तो ब्लूटूथ लगा के, अब तो व्हाट्सएप का जब उस फ़ोन का ज़माना आ गया, पहले तो पावर म्यूजिक आता क्या क्या आता था, वो स्टूडियो फिस्टूडियो पावर साउंड क्या होते थे, बड़े 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 अजीब अजीब नाम होते सब सुनते थे, हो गया। हाँ, नहीं वो एक पावर करके भी कुछ आता था तो वो सुनते थे। अब वो दौर नहीं रहा तो अब यह कि फ़ोन पे लगाया और ब्लूटूथ लगा के सुन रहे हैं, वही शौक है विशेष आज भी। हाँ, और पिछले कोविड में मैंने प्रयास किया था कि मैं हारमोनियम भी सीखूं, पर जैसा सामाजिक व्यक्ति को समय नहीं होता तो वही स्थिति है कि समय का अभाव है और रूटीन वाला काम है, क्योंकि रोज जाना पड़ेगा रियाज करने, समय है, देखेंगे कभी समय लगेगा तो। कोई फेवरेट गजल जो लगती होगी, यार ये तो ना जगजीत जी ने मेरी वाली बात करी, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये जगजीत जी नहीं बोल रहे, तो मतलब कई बार होता ना रिलेट करते हैं, ये तो मैं हूँ। देखिए, मैं चूँकि मिर्जा गले को भी बहुत सुना है, उर्दू तो उतनी अच्छी आती नहीं भाई, जितनी भी 20-25% आती है, मैंने मिर्जा गले को सुना तो उसमें, क्योंकि एक बड़ी बात हूँ मैं इस सबसे अलग, गालिब ऐसे शायर हैं आप उन्हें सुनेंगे आप लोगों का आशिक भी हैं, आप उन्हें लगेगा सामाजिक भी हैं और आप उन्हें लगेगा फक्कड़ भी हैं। तो मैंने उन्हें देखा है तो ऐसा तो खैर क्योंकि हम उस दौर में नहीं रहे कि लगे कि मेरे से है, परंतु जो फक्कड़पन है वो मुझे उनका भाता है, बहुत तो को भाता है, मतलब वो उनका अपना ही एटीट्यूड है, अपना अलग 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 एटीट्यूड है, मतलब वो बड़ा भाता है मुझे कि ये जो तुम हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम्हें तू क्या है, तू ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तो मतलब उनका अपना एक अलग वो है। कोई शिकायत है खुद से? समय लगता है कि 24 घंटे कम है। समाज सेवा के लिए भी, परिवार के लिए भी और व्यापार के लिए भी, तीनों का सामंजस्य बिठाने का प्रयास है और कहीं ना कहीं वही रह जाता है कि बस कुछ छूट गया। रोज सोचता हूँ कि आज ये भी करूँगा तो पर वही रहता है कि छूट गया। एक गोल
क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि कोविड ने आई थिंक हर एक को ना लगभग वो जो रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वहाँ ला के लगभग खड़ा कर दिया है, फिर यहाँ से एक नई दौड़ शुरू होगी। मिश्रा जी का क्या गोल है? और ये मैं सवाल हर फील्ड से पूछ रहा हूँ, राजनीतिक गोल क्या है, व्यापारिक महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं, और सामाजिक और बाकी अदर महत्वाकांक्षा। देखिए सामाजिक रूप से देखा जाए तो अब सिर्फ वास्तव में अब मेरे सब मित्र भी जानते हैं कि मेरा उद्देश्य समाज सेवा ही है, मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। समय का देखो मैं भविष्य की गारंटी नहीं लेता, पर मेरी कोई ऐसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे विधायक लड़ना है, सांसद लड़ना है, ऐसा कोई सपना नहीं है मेरा, ना ही लड़ेंगे भी। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने लड़ना है। परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि दो परिवार हैं मेरे साथ जिम्मेदारी से, और व्यापार तो समझिए ईश्वर की कृपा है, अब भतीजे करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे, जो करें। और मुझे लगता है हमने तो अपने स्तर से वास्तविकता तो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, संतोषी आदमी हूँ, और मेरे सब मित्र जानते हैं बहुत भागा दौड़ में विश्वास नहीं रखता। ईश्वर की कृपा है, चल रहा है, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मेरे मन में, क्योंकि मैं लायंस क्लब वाली बात मैंने पहले बताई, आपने देखा हम पिछले 5-6 साल से 7 साल से एक 10 रुपये में भरपेट भोजन देखते होंगे, अगर आपने दून तिराए पर देखा हो, क्लब के नाम से चलाते हैं जी। तो बस मेरी ऐसी इच्छा है फिलहाल कि कोई स्थान लेकर 10-20 रुपये में भरपेट भोजन, तो वो 20-10 रुपये वो होंगे सिंबॉलिक, क्योंकि आम आदमी आपने ही जाना है यदि, और सामने आपको खाना दिख रहा है, अगर फ्री होगा तो आप नहीं खाएंगे, ये तो भीख के लिए है, गरीबों के लिए है, मैं गरीब नहीं। 20 रुपये में आप कहेंगे नहीं यार, तो सस्ता देने फ्री नहीं है, तो वो भरपेट भोजन की व्यवस्था वाला। ये सेविंग टू मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट तो नहीं है अभी, जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ ज़्यादातर मैंने महसूस किया कि राशन मिला, लोगों ने मदद की, जो बहुत नीडी लोग थे उन्होंने वो ले लिया जिनके पास ऑप्शन नहीं था, मिडिल क्लास उसको लेने में भी शर्माता रहा और उसके पास था भी नहीं। देखिए लेकिन बहुत सफ़र कर गया मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैं एक बात और कहूँ जो बात उस पर बाद में आते हैं, इस कोविड में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनका हमें लगता था कि बहुत अच्छा व्यापार है, काम धाम ठीक है, 2,000-3,000-1,500 रुपये मांगने की जो बेचारे आए, मैंने कहा क्या वजह हो गई कि भैया सिलेंडर ख़त्म हो गया, पर अब किससे कहें, बड़े भारी दब आए तो राशन, घर में गाड़ी खड़ी है दो टैक्सी और राशन की समस्या आ गई, तो ये जो वो लोग ले नहीं पाते, हमें कहीं से खबर आई कि नीडी है, मांग नहीं पा रहा है, तो ये जो भोजन वाली जो बात है ना, ये वही लोग हैं जिनकी गुंजाइश कम है और वो फ्री खाना नहीं चाहते कि शर्म आती है। ये भोजन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दुकानों में नौकरी करते हैं, 4,000-5,000-7,000 वो दोपहर का रात का भोजन कर लें और भरपेट भोजन मिल जाए, आत्मा शांति हो जाए। उसके साथ साथ अगर मेरे पास जगह की उपलब्धता हो गई, भंडारा भी चलाया जाएगा, वो उसमें उनके लिए जो वास्तव में भिक्षुक होते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में सुबह और दोपहर का खाना तो मिल जाता है, रात्रि भोजन कहीं नहीं मिलता। तो मन में भाव है, अगर ईश्वर ने चाहा तो शायद इस साल, अगर जो मेरे मन में चल रही है विचार, रात्रि भोजन वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू करेंगे। एक पार्ट होगा उसका फ्री जिसमें भिक्षुक आएंगे, एक पार्ट होगा 10-20 रुपये जो हमारे मित्र सहयोगी सलाह देंगे वो, ताकि भोजन ही मिल जाए उन्हें। बहुत सारी स्पेशली हमारा जो व्यूअरशिप है उसमें ज़्यादातर लोग यूथ हैं और ज़्यादातर लोग हमारे प्रोग्राम्स को इसलिए देखते हैं कि मतलब उनमें उनको लगता है कि लाइक हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो लोग समाज को इस समय किसी न किसी रूप में नई दिशा दे रहे हैं। यूथ के लिए स्पेशली क्या आपका संदेश होगा, कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें? यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए पहले तो अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, हमारी सनातन संस्कृति जिसे हिंदू संस्कृति कहा जाता है इसे ना छोड़ें, सभी से प्यार करें पर घृणा वाला उद्देश्य ना हो, और अपने देश से प्रेम करें, क्योंकि यूथ बाहर बहुत जाना चाहता है। मैं अपने ही सर्कल में देखूँ तो बहुत सारे लोग अभी कोविड में भी उन्होंने बाहर जाने की व्यवस्था बनाई है, तो अपने देश के प्रति समर्पित रहें, कार्य करें, पूरी दुनिया में कार्य करें पर समर्पित अपने देश के प्रति रहें। टारगेट यही रखें कि मेरा मूल देश यही है, मुझे भारत माता के लिए ही सब कुछ करना है।
मैं आपको काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ ओवर सोशल मीडिया और बाकी न्यूज़पेपर और माध्यमों से भी मैं आपके बारे में पढ़ता सुनता रहता हूँ। एक जो आपने बहुत अच्छा काम किया है इस बीच और उसके लिए स्पेशली मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ, ब्लड डोनेशन का आपने एक बड़ा बेड़ा उठाया है। शहर में कई बार जब किसी ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत होती है तो मिश्रा जी का फ़ोन बजने लगता है और कई बार हम लोगों ने कई मौक़ों पे देखा है कि लाइक कई क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने इसको पाया कि मिश्रा जी तक अगर बात पहुँची है तो लगभग उसकी व्यवस्था हो जाएगी। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएँ हैं, देखिए, और कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाने का प्लान है? देखिए जी, उद्देश्य तो पब्लिक की सेवा है, पर जो प्रेरणा की बात बताता हूँ, 1996 की बात है, हमारे भैया के मित्र थे, उनकी मम्मी को जरूरत पड़ी ब्लड की, तो मैंने फर्स्ट टाइम 96 में ब्लड दिया। दुर्भाग्य कहूँगा अपना कि मेरे साथ भी एक दुर्भाग्य कहूँगा मेरे साथ भी एक बार एक घटना घट गई। मैं खुद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम हुई, तो मैं दिल्ली एम्स गया जब हमारे साथ लोग थे, चार जने गए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उन चार लोगों का नाम भी ले सकता हूँ। मेरे बहनोई, एक डॉक्टर पांडे हैं ऋषिकेश ब्लड बैंक में, आज भी हैं, संजोग से लगभग 20 वर्ष होने को आए, उस समय वो पैथोलॉजिस्ट नहीं थे, एक डॉक्टर बी एन तिवारी, मेरे फादर, क्योंकि मेरे फादर की एज तो बड़ी ज़्यादा थी तो उनके लिए ब्लड देना संभव नहीं था। पर इन तीन लोगों ने, डॉक्टर ने कहा कि 4 यूनिट खून चाहिए, और वास्तव में तीनों जनों ने 3 सेकंड नहीं लगाए खून के लिए कहने में कि हाँ खून दो। और डॉक्टर बी एन तिवारी ने यह कहा कि मेरे परिचित हैं, मेरा दमाल लगता है, उसे बुला लेता हूँ, वो अगल बगल, संजोग से वो दिल्ली नौकरी करता था, वो एम्स के पास ही था। तो मुझे ये लगा कि भाई चलो, हमारे पिताजी क्योंकि सोशल थे, ये लोग हमारे साथ आए हैं, जब मैं ठीक हुआ तब ये लगा कि हमारी व्यवस्था हो गई। जब मैं ऋषिकेश आया तो आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऋषिकेश ब्लड बैंक नहीं था, एम्स नहीं था, एक जोलीग्रेन था, पर जोलीग्रेन भी लिमिटेड था, लिमिटेड। तो ये मुझे उसके बाद, जब मैं 1.5 साल लगा मुझे ठीक होने में, स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा कि यार मुझे समाज की सेवा करनी, मेरे को समाज ने दिया है, बस वो दिया है, तो मेरे को ये लगा कि मुझे दिया है तो मुझे इसका ऋण उतारना है। ऐसे ऋण उतरते नहीं कभी, पर मैंने वो बीड़ा उठाया। फिर मैं लियो क्लब में जुड़ा, लियो क्लब था हमारा, लायंस क्लब की यूथ विंग, उससे जुड़ा मैं, तो उन लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया क्योंकि मैं शुरू कर चुका था, उन लोगों ने मुझे हिम्मत बढ़ाई, वो लोग ही मेरे साथ जुड़ते गए। फिर जब मैं 2008 में हमारा क्लब बना, लायंस क्लब मेन में आए हम लोग, तो तब और गाड़ी जुड़ी, और बस ईश्वर की कृपा रही, वो प्रेरणा मिलती रही शहर में। जैसे आपने कहा कि किसी को लगता है, बस वो ये आपकी जो मोटिवेशन है ना, ये एनर्जी है मेरी। जब मुझे कहता था, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, कि संजय जी का फोन मुझे आया और मैं ये ना हो कि यार मैं ना हो गया, छवि खराब ना हो जाए कि यार मैंने हमेशा किया है, लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं। अभी तक जैसे हम लोग ना नंबर्स में बड़ा वो करते हैं, ठीक है, अभी कितने नंबर हो गए होंगे? देखिए मेरे पर्सनल तो 59 हो गए हैं, मतलब अर्धशतक मार लिया है। हाँ, अर्धशतक से ऊपर हैं, और शतक पीछे देने गया था तो बीपी बढ़ा हुआ था। अच्छा, डॉक्टर ने कहा आज बीपी, क्योंकि 4 दिनों ने देना था, 3 ने दे दिया, डॉक्टर ने आते काम चल गया, कल दे दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोगों की तरफ से आपको आभार कि आपने मतलब ये जो इतने बड़े मुहिम चलाई है और आप इसमें खूब तरक्की करें आगे। आपसे आखिरी सवाल, बहुत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे आप ऑलरेडी एक राजनीतिक पद पे हैं, भले वो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा तो नहीं है खैर, शहर को चलाने वालों का ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा खासा आपका पॉलिटिकल एक समझ रही है, बिकॉज आप वैसे फैमिली से आते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस आपने बहुत लंबे टाइम में एक संस्था को दिया है। आगामी चुनाव हम लोग देख रहे हैं 2022 में, और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि आने वाला उत्तराखंड कैसा हो। उत्तराखंड बहुत एक बड़ा परिप्रेक्ष्य हो सकता है शायद आपके लिए, एक बड़ा बड़ी परिधि हो सकती है आपके लिए इस बात को सोचने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले मैं छोटे में शुरू करूँगा। ऋषिकेश को लेकर के क्या ख्याल है आपका, और क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो लोग आएंगे, अभी तक जो कमियाँ चल रही हैं वो क्या हैं, और आने वाले टाइम में क्या ऐसा कर सकते हैं कि हाँ बदलाव ला सके? मुझे लगता है कि ऋषिकेश ना स्वर्ग बन सकता है जी,
ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में है, एनडी तिवारी जी ने देखिए इसमें दोनों का, अटल जी का विचार और सुषमा स्वराज उस समय यहाँ की राज्यसभा सांसद थी, और एनडी तिवारी जैसा विजनरी नेता था। इतना बड़ा संस्थान जहाँ लगभग 10,000 के करीब स्टाफ होने की संभावना है, ऋषिकेश में राफ्टिंग का व्यवसाय इतना शानदार है, ऋषिकेश योग नगरी के रूप में जानी जाती है, परंतु सिस्टमेटिक नहीं है। क्योंकि मैं कोई बात कहूँगा पॉलिटिकल हो जाएगी, जैसे गत 2 मुख्यमंत्री बदले गए हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऋषिकेश में जैसे आस्था पद बना है 2000, ये भी एनडी तिवारी जी की देन है। ऋषिकेश में उसमें चेयरमैन भी समझदार थे, मंत्री भी समझदार थे, होशियार थे, जिनका विजन इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए वहाँ की रखा। ऋषिकेश में इतना बड़ा जल स्रोत है, गंगा जी झील है, गंगा जी हो सकती हैं, स्रोत नहीं कहूँगा, गंगा माता है, जिनका डैम है समझिए, बैराज जिसे कहते हैं, वह वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। तपोवन लक्ष्मण झूला का जो इलाका है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसे डेवलप किया जा सकता है। मोहन चट्टी, गरुण चट्टी इतना शानदार इलाका है, पर रोड आज भी 15 फीट 17 फीट 20 फीट की रोड है, जाम लगता है। तो ऋषिकेश वास्तव में हब बन सकता है पर्यटन का, पर मुझे लगता है यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वह उसका सदुपयोग नहीं करते, और एक थोड़ी शासन की उसमें लगता है गलती है। क्योंकि ये 3 क्षेत्र लगते हैं, ऋषिकेश अलग, मुनिगिरती अलग, और यमकेश्वर अलग, तो तीनों नेता अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अगर एक क्षेत्र बन जाए, एक जिला बन जाए, तो शायद डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ओके, व्यापारिक गतिविधियों में जैसे हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और अब शायद जो एक क्वेश्चन है आपके लिए, शायद ये मतलब चुभता हुआ क्वेश्चन हो, सवाल हो, क्यों व्यापारी शामिल नहीं है इस शहर को? बहुत सारे मुद्दों को जिनमें व्यापारियों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होना चाहिए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक स्टैंड होना चाहिए, उसको लेकर के नहीं दिखता। जैसे मसलन कि इतने ये जो रोड है, रेलवे रोड है या हमारा तिलक रोड है, उसके बाद से जो पूरा एरिया पड़ता है, लाइक हम लोग भरत मंदिर तक बात करें, इतना बड़ा एरिया है, पूरा एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, और जो पॉसिबल मार्केट हो सकती थी हमारे आगे, जो तिलक रोड के बाद हम लोग एक्सटेंड कर सकते थे मार्केट को लास्ट गोविंद नगर तक, या ऊपरी साइड का जो मार्केट है, वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से वहाँ पर मार्केट बना पाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ कि सिर्फ मार्केट नहीं, व्यापारिक गतिविधियाँ उससे वो नहीं थी, अगर वहाँ कोई खोलता भी है तो शायद लोग वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, और कुछ होटल्स हैं, कुछ दुकानें हैं जो वहाँ पे इम्पैक्ट हुई हैं। मैं यह सवाल आपसे व्यापारिक संगठन के नेता होने के नाते भी पूछ रहा हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट कि शायद जन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन कभी मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कभी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे इनकी तरफ से नहीं जाता है। आपका कोई मैसेज या आप कुछ उस पर ये चाहते हैं कि हमारा स्टैंड ये है, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो आपने बात की ना कि वहाँ के लोग, इसमें मैं 2 साल पहले, चूँकि मेरे भाई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जी, उन्होंने आंदोलन चलाया जी, तत्कालीन SDM ने ये आश्वासन दिया कि हम अगले 6 महीने में इसका निस्तारण कर देंगे। अब यह क्योंकि व्यापार मंडल का कार्य यह नहीं है कि हम कूड़ेदान को हटवाएं, परंतु व्यापार मंडल सदा प्रयास करता रहा, चाहे SDM लेवल से हो, मेयर लेवल से हो, कि इसका निस्तारण होना चाहिए। और सिर्फ व्यापार मंडल अपने स्वार्थ के नाते नहीं, व्यापार मंडल क्योंकि वहाँ के वो जो वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो व्यापारी भी हैं, उनके स्वास्थ्य के हित के कारण। मैंने इसीलिए सवाल एक्चुअली जोड़ा भी है, तो क्योंकि हाँ, वो लोग व्यापारी फैमिली हैं, अधिकांश व्यापारी हैं, और उनमें से व्यापारी नहीं भी है, एक एक सर एक होता है कि मतलब हम लोग कोई काम कर रहे हैं, इस शहर से हम पैसा अर्न कर रहे हैं, इस शहर से हम कमा रहे हैं, तो इस शहर के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जैसे आप लोगों ने निभाई भी है और हमारी जिम्मेदारी बनती भी है, और एक एक मुसीबत है जो बहुत बड़े टाइम से हमारे शहर को तंग कर रही है। अब यह देखिए, ये है तक आते तो प्रशासन का है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, संजय झील है, आपको ज्ञान है जी, जी। संजय झील का मुद्दा मुझे लगता है 20 साल से चला आ रहा है, अब सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, संजय झील वहीं के वहीं हैं। तो मैंने जो कहा ना, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है इस प्रकार, व्यापार मंडल यह कार्य नहीं कर सकता। अगर आप यह कहेंगे व्यापारी सहयोग कर सकें, व्यापारी करोड़ों रुपये का सहयोग कर सकते हैं, पर जो बात पहले आई कि शासन पर भरोसा होना चाहिए। अब शासन पे पैसा जाता है, जैसे PM केयर फंड में पिछली बार खूब पैसा गया,
अब आप देख रहे हैं, मैंने कहा ना बात पॉलिटिक्स की आती है, अब आप पता चला कि वेंटिलेटर जो है पीएम केयर फंड से ख़राब है और पैसे खूब जमा हुए उसमें। तो जो मेन बात है कि शासन का प्रशासन का रोल इस प्रकार ज़्यादा है। व्यापारी तो आप कोविड काल में आपने देखा कि जो हमने राशन बांटा लायंस क्लब के माध्यम से, सारा पैसा लायंस क्लब के सहयोगी ने थोड़ी दिया, कोई व्यापारी लायंस क्लब के सदस्य भी हैं जी, पर शहर के व्यापारियों ने भी खुले दिल से साथ दिया जी। जिसे कहा उसने कहा 40 पैकेट मेरे, 50 पैकेट मेरे, जिसका जितनी गुंजाइश थी सब ने दिया। व्यापारी सदा सहयोग को तैयार है, पर मेन इसमें रोल है शासन का। एक सवाल और, आपने कहा कि व्यापारियों ने खूब मदद की और व्यापारी हमेशा सहयोग के लिए तैयार हैं। व्यापारियों में भी हमारे पास अलग अलग एक तरह का, हम लोग उसे कह सकते हैं कि हर एक व्यापार के हिसाब से उसका एक अलग सीमांकन है। कुछ बड़े व्यापारी हैं, कुछ लघु हैं, कुछ, क्या हमारे पास कुछ अभी ऐसी नीति है कि जो जिन व्यापारियों को सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, हिट सबको हुआ है, लेकिन हिट के साथ साथ जिन पे असर बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिनकी बिल्कुल ही मतलब दुकान जो है वो बिल्कुल इस कगार पे आ गई है कि या तो बंद हो गई हैं या मतलब वो इस हद तक डूब चुके हैं कि उनको रिकवर करने में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, या उतने उनका बैकअप अच्छा नहीं था, क्या हमारा जो संगठन है ये कुछ उन व्यापारियों के लिए सोच रहा है आगे, या क्या किस तरह से आपकी नीतियाँ बनती हैं? हमारी फिलहाल की प्लानिंग ये है कि जो बड़े व्यापारी हैं वह छोटे को सपोर्ट कर, क्योंकि माल बड़े, छोटा व्यापारी बड़े से ही माल लेता है जी। तो जो पहले समझे पेमेंट 20 दिन 25 दिन में हमारे व्यापारी करते हैं, तो हमने बस ये बड़े व्यापारी से आग्रह किया है कि छोटे को समय थोड़ा सा दें, क्योंकि उसके परिवार के भी पेट भरना है, दुकान भी चलानी है, और चूँकि संबंध बड़े अच्छे हैं, अपवाद स्वरूप छोड़ दिया, ऋषिकेश के व्यापारी बड़े अच्छे हैं, पेमेंट में बड़े अच्छे हैं सारे, क्योंकि मैं सबसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता हूँ। तो हमने बड़े व्यापारियों से आग्रह किया कि छोटे व्यापारियों को सहयोग करें और सब मिलजुल के एक साथ सामंजस्य बटाएं, देनदारी लेनदारी है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे, पुरानी जो लेनदारी है उसको रोक कर नया माल आ रहा है उसमें थोड़ा समय दें, जिससे उनकी गाड़ी पटरी पर आ जाए, और गाड़ी पटरी पर आती है तो जो पहले बात की गाड़ी पटरी पर आना, उसका सरपट दौड़ने में बड़ा, बस एक बार चलनी चाहिए फिर तो सरपट दौड़ने लगती है, पहले स्टीम इंजन आता है, फिर डीजल आता है, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आता है। वापस पॉलिटिक्स के सवाल पर लौटूंगा, आपका क्या सुझाव होगा? देखिए आप भी एक मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, आने वाले नेताओं के लिए जो आने वाले जो इलेक्शन है उनमें कंटेस्ट करेंगे, ऋषिकेश को लेकर के कि क्या किया जा सकता है, क्या मैसेज कि मतलब कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ये चीज़ें कम से कम हमारे शहर में होनी चाहिए। ये सवाल मैंने आपको व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा है कि आपका व्यक्तिगत मानना क्या है, और एक सारे व्यापारियों की तरफ से भी वो क्या चाहते हैं आने वाले नेता से अपना, कि हाँ ऐसा कुछ हो तो मजा आएगा। देखिए ऋषिकेश जो ऋषिकेश का प्रतिनिधित्व करे वो उसमें ये क्षमताएं हो, ये गुण हो। मैंने, मेरा मानना यह है कि ऋषिकेश, जैसे मैंने कहा पर्यटन के रूप में ऋषिकेश विकसित हो सकता है, यहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हो जाए तो ऋषिकेश में अपार संभावना है व्यापार की। यहाँ एक एडवांटेज है, अगर यहाँ अभी काम करने वाला है ऋषिकेश में, मैंने तो काफ़ी भारत घूमा है, ऋषिकेश में आदमी भूखा नहीं मरता यदि काम करने वाला है, बस वही है कि सिस्टम ठीक हो जाए। तो मैं मुख्य रूप से एक बात कहूँगा, जब बाहर से टूरिस्ट आता है पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या, चंद्रभागा नदी है, नदी का ऐसा कोई नियम है कि कवर नहीं की जा सकती, पर आधे एरिया को या कुछ एरिया को सरकार उस पर लेंटर डाल के उस एरिया को कवर करने का प्रयास करे ताकि 100-200 गाड़ी उसमें आ जाए। मैंने मेयर साहब को भी सुझाव दिया था कि हरिद्वार रोड पर जहाँ पंप है, पेट्रोल पंप है, वहाँ से गंगा जी पे रास्ता उतारा जाए, उससे पार्किंग भी आ जाएगी दोनों तरफ, गंगा जी के जो नीचे होके जाते हैं पार्किंग की समस्या। आपने नोटिस किया होगा कि गंगा आरती ऋषिकेश की बड़ी फेमस है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, आपके रिश्तेदार आते होंगे, वो फोन आता है कि आरती बुक करा के रखना, इतनी भव्य आरती होती है, हम उस भव्य आरती को अभी समाज को दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम उसका विकास कर सकें, उसकी पब्लिसिटी कर सकें, तो देखिए गंगा जी आके ऋषिकेश जो आता है बाहर का आदमी उसे रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी भव्य आरती है और ऐसी श्रद्धा जगती आरती सुनकर और भी। तो टूरिस्ट प्लेस नहीं कहूँगा, तीर्थ स्थल कहूँगा ऋषिकेश को, इसे तीर्थ स्थल के रूप में और बढ़ाया जाए जिससे यहाँ का विकास हो। और एक बार कोई अच्छा नेता यहाँ पर काम शुरू करेगा तो फिर विकास अपने आप होने लगेगा, पर वो मुझे लगता है ट्रैक नहीं आ पा रहा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष, मुझे लगता है उनके लोगों ने
क्योंकि वर्तमान विधायक भी हैं, सरकार सुझाव नहीं दी। देखिए क्योंकि वो बेसिकली डोईवाला से हैं तो हम आप ऋषिकेश पैदा हुए हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज होगी, तो इसमें उनकी भी बुराई नहीं कहूँगा मैं, परंतु मुझे लगता है कि यदि उनके जो लोकल लोग हैं, लोकल सहयोगी हैं, उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको सहयोग करें कि ये इसमें ये कमी है, यह समस्या है, तो शायद वो उसका निराकरण कर सकते थे। परंतु चूंकि वो बेसिक ऋषिकेश के नहीं है, भाई पीछे आए हैं तो आज हम अमेरिका चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हमें दिल्ली, हम उतनी जानकारी दिल्ली की हो नहीं सकती है, हमें तो हम बेसिक पढ़े, गली मोहल्ले में खेले हैं, कूदे, चंद्रभागा नदी में नहाए हैं, गंगा जी में नहाए हैं, तो हमें सब आइडिया है। तो लोकल कोई आदमी एक बार यहाँ से आता है, वह यहाँ की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे रूप से निराकरण कर सकता है और क्षेत्र का विकास कर सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और उम्मीद करेंगे कि आपसे लगातार मुलाकातें होती रहेंगी। धन्यवाद। और हमारी विशेष शुभकामनाएं है आपको हैं, जो भी आपके फ्यूचर एंडेवियर हों उन पर आप जरूर सफल हों। बिल्कुल, ऐसे हम माँ गंगा से कामना करते हैं आपके लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपकी बात पूरी करके बात करूँगा धन्यवाद के साथ कि आपने ये चैनल लॉन्च किया है। देखिए आपको मैं जानता हूँ, आप बड़े अच्छे लेखक भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, साथ में अपनी बालाजी की टीम, हमारे धीरज भाई, गुड्डू भाई, नीरज और बाला, तीनों भाइयों का उपनाम भी फेमस है और असली नाम भी फेमस है, तो ये बालाजी की जो टीम है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्लब मेंबर भी है एक भाई इसमें, तो बड़ा शहर के लिए बड़ा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम तो जब हम लोगों की शादी है, आपकी शादी का आइडिया नहीं, तो लगता था शादी तो फॉर्मेलिटी, वो फोटोग्राफी फॉर्मेलिटी है, पर इन्होंने वास्तव में दिखाया कि फोटोग्राफी क्या चीज़ है। तो मैं बालाजी की टीम को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा चैनल लॉन्च किया, और ईश्वर से कामना करूंगा कि इन लोगों को बहुत बहुत तरक्की मिले और इनके चैनल दिन दुनी रात चौनी तरक्की करें। जय गंगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का।